हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा एक फिलिप्स 43750 मॉडल। स्क्रीन पर देख लीजिए, ये जो मेन पीसीबी है, एक कैसे आप रिपेयर करेंगे, इसका स्टार्टअप सीक्वेंस क्या है, कहां से वोल्टेज कहां पर जाता है, पूरा डिटेल्स मैं आपको दिखाऊंगा। आपका पास आएंगे तो आप एक खुद रिपेयर कर लेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले देखिए पीएफसी वाला सेट है। यहाँ पर देखिए एक ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है और एक पीएफसी ट्रांसफार्मर है, और इसका अंदर जो मॉस्फेट आईसी इसका अंदर है। तो मैं आपको जो दिखाऊंगा स्टार्टअप, देखिए अभी सेट स्टैंड बाई कंडीशन में है। मीटर में देखिए, ये जो ट्रांसफार्मर है, ये डायोड के माध्यम से 12 वोल्ट आउटपुट होगा सबसे पहले, ओके। और कहाँ पर कुछ वोल्टेज नहीं रहेगा, देखिए ये बैकलाइट ड्राइवर का अलग सप्लाई दिया है, 12 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है। ये 12 वोल्ट सबसे पहले कहाँ पर जाएंगे, इधर देखिए, इस आईसी का अंदर इनपुट होगा, इधर देखिए हो रहा है ना, इस कॉयल के माध्यम से 5 वोल्ट आउटपुट होगा। ये 5 वोल्ट इस आईसी का अंदर इनपुट होगा, देखिए देखिए इस कॉयल के माध्यम से 1.2 वोल्ट आउटपुट होगा, प्रोसेसर में चला जाएगा। और यह पर भी एक 3.3 वोल्ट रेगुलेटर है, यह पर भी एक 5 वोल्ट इनपुट होगा और यह से 3.3 वोल्ट आउटपुट होगा। ये 3.3 वोल्ट और 1.2 वोल्ट दोनों प्रोसेसर में सप्लाई मिल गया, ओके। उसका बाद देखिए, ये भी एक कॉयल है, यह पर भी 5 वोल्ट हम मिलेंगे, ठीक है। यह से भी 5 वोल्ट मिलता है, ये 5 वोल्ट यह पर एंटर्स होगा और यह से अभी कुछ आउटपुट नहीं है, बाद में होगा। और ये स्टैंड बाई कंडीशन में ये इतना ही वोल्टेज रहेगा। स्टैंड बाई रिलीज करेंगे तो देखिए, स्टैंड बाई रिलीज करेंगे तो मैं इसी यह पर ही रखूँगा। देखिए स्टैंड बाई रिलीज करूँगा, क्या सिचुएशन हो रहा है, देखो स्टैंड बाई रिलीज किया, 1.8 वोल्ट आउटपुट हो गया, ये 1.8 वोल्ट होगा, ठीक है। और ये वाला कॉइल देखिए, ये भी होगा 1.056 वोल्ट, यह पर भी एक रेगुलेटर है, ये भी आउटपुट होगा 3.3 वोल्ट, ठीक है। और यह पर भी एक आउटपुट होना चाहिए, देखिए 5 वोल्ट, इधर भी कुछ है, देखिए ये मोस्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ भी किया है हम डिटेल्स देखा नहीं। ये हमारा फ्लैश है और ये जो है मॉस्फेट 8 पिन वाला, ये हमारा पैनल वीसीसी है, ये पर आउटपुट हो जाएगा। और देखिए जो ड्राइवर सप्लाई है, अब ड्राइवर सप्लाई देखिए, ड्राइवर सप्लाई में कितना वोल्टेज आएगा, 143। एक्चुअल ये जो ड्राइवर है, यहाँ पर मॉस्फेट है, ये स्विचिंग होगा, इसका अंदर भी आईसी है 6 पिन का, उसका माध्यम से ही होगा ये 143 वोल्ट। और ये जो फिल्टर है, यहाँ पर देखो पीएफसी ऑन होगा, स्टैंड बाय रिलीज होने के बाद ही यहाँ पर वोल्टेज आएंगे दोस्तों, ड्राइवर सप्लाई में पीएफसी ऑन ऑन होगा तब भी वो वोल्टेज मिलेंगे। देखिए पीएफसी में देखिए 380 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो दोस्तों, ये स्टार्टअप सीक्वेंस का वीडियो मैं बनाया, आपको कुछ हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी।